दोस्तों गुड मॉर्निंग आप लोग का स्वागत है सक्षम फैमिली ब्लॉग में और आप लोग कैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे यहाँ पे देखिए मैंने चने का दाल गला रखा था रात का मुझे नगदावा बनाना था इसीलिए यहाँ पे मैंने कुम्हड़ा लिया है उसे कट कर लिया प्याज लहसुन धनिया टमाटर मिर्चा हरी मिर्चा ये सब कट कर लिया अब मैं जा रही हूँ बनाने कुकर में बनाएंगे दोस्तों यहाँ पर मैंने कुकर रख दिया है कुकर में मस्टर्ड ऑयल डाला है फिर तेल गरम होने के बाद मैंने उसमें डाल दिया जीरा थोड़ा सा जीरा डाला है फिर जीरा चटकने लगेगा तो हम लहसुन और मर्चा डालेंगे उसे चलाते रहेंगे जब तक गोल्डन ब्राउन हल्का सा ना हो जाए तब तक और फिर उसके बाद लहसुन मरचा गोल्डन ब्राउन होने के बाद हमने डाल दिया प्याज उसे भी हम हल्का सा चला लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक और फिर हमारे जो वेजिटेबल कटे हुए हैं हैं है और दाल वगैरह सब उससे भी डालना होगा यहाँ पे मैंने जो दाल गला रखा था चने का उसको भी मैंने डाल दिया है उसको हल्का सा भूनेंगे कि थोड़ा पक जाए नहीं तो कच्चा कच्चा रहता है तो पाँच मिनट तक नमक डाल के भूनेंगे या अच्छा चलाते रहेंगे बीच बीच में क्योंकि पकड़े ना क्योंकि पानी नहीं डाला है हम लोगों ने ना बस वही डाला था दाल प्याज, और प्याज नमक हल्दी और लहसुन मिर्ची यही सब डाला था तो इसे हम पाँच मिनट तक ढक के अपना भुनेंगे उसी ऑयल में कितना थोड़ा थोड़ा पक जाए और देखते भी रहेंगे बीच बीच में चलाते भी रहेंगे और फिर उसके बाद मैंने डाल दिया टमाटर टमाटर होने नहीं देता है इसीलिए मैं बाद में टमाटर डाली हूँ अब मैं डालूँगी कटे हुए कद्दू क्योंकि कद्दू से कद्दू चाहे लौकी का नकदबा बनता है मैं तो मेरे यहाँ मैं कद्दू का बना रही हूँ यहाँ पे मैंने कद्दू भी कट करके डाल दिया कट किया था पहले से उसे भी मैंने डाल दिया है अब उसे मिला लूँगी सारे को मिक्स कर लेंगे चने की दाल को और कद्दू को टमाटर प्याज मिर्चा लहसुन जो भी हमने डाला है वो डाल के फिर पानी डालेंगे जितने हमें ज़रूरत हो उतना पानी डालना है यहाँ पे मैं क्योंकि वेजिटेबल भी सब सब्जियाँ भी पा, पानी छोड़ती हैं कद्दू वगैरह पानी छोड़ते हैं इसलिए मैंने मुझे जितनी जरूरत थी उतना ही मैंने पानी डाल दिया है अब इसमें लगा दूँगी प्रेशर चने का दाल होने में टाइम लगता है इसलिए मैंने मीडियम फ्लेम पर अपना रख दिया हो गया हमारा नग दवा यहाँ पर तैयार दो तीन सिटी में हुआ तीन सिटी में फिर यहाँ पे देखेंगे ये देखिए हमारा खिला खिला नग दावा इसमें वेजिटेबल थोड़ा खड़ा खड़ा रहता है अच्छा लगता है यहाँ पे देखिए हमारा नग दावा बन तैयार हो गया है अब इसमें हमें मेन काम करना है तड़का लगाना है और यहाँ पे मैंने इमली गला रखा था थोड़ा सा गर्म पानी में गलाया था इसीलिए वो इंडक्शन पे है फिर मैं कढ़ाई रखूँगी इसमें डालूँगी एक स्पून देसी घी उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अगर आप लोग भी बनाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट बहुत अच्छा टेस्ट आएगा यहाँ पे मैंने देसी घी ऐड डाल दिया है और कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है अब इसमें मैं अपना जो भी डालना है वो आप लोग को आगे दिखा रही हूँ यहाँ पे हमारा देसी घी भी गर्म हो गया है थोड़ा सा जीरा स्पून में मैंने डाल दिया जीरा भी तेल घी गर्म होने के बाद जीरा भी डाल दिया वो भी चटकने लगा अब हम इसमें डालेंगे ये देखिए मैंने टमाटर प्याज धनिया वगैरह सब कट करके रखा है लहसुन और ढेर सारा लहसुन मैंने इसमें छोटा छोटा पीस करके कट करके अब इसमें डाल लेंगे उसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे इसीलिए मैंने लहसुन और प्याज दोनों ए, एक साथ डाल दिया है अब इसे गोल्डन ब्राउन होने लगेगा तब तक भुनेंगे और फिर उसके बाद बाद में टमाटर डालेंगे क्योंकि थोड़ा लहसुन प्याज होने में टाइम लगता है ना इसीलिए अब ये अपना होता रहेगा यहाँ पे देखिए हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब हम इसमें ये एक कढ़ाई की गोल पहन दिए इसलिए वो इंडक्शन पे इधर से उधर घूम जा रहा है इसको अवॉइड करिएगा दोस्तों यहाँ पे देखिए गोल्डन हो गया है फिर इसमें ऐड करेंगे टमाटर हमारा टमाटर भी हो चुका है टमाटर डाल दिया है हमने इसमें अब टमाटर भी भून लेंगे गल जब तक टमाटर गले ना फिर उसके बाद जब तक टमाटर गलेगा फिर हल्का सा इसमें नमक ऐड करेंगे टमाटर को गलने के लिए बहुत टाइम लगता है ना वैसे मैंने उसमें भी न, जो चने की दाल और कु, कुम्भड़े में मैंने टमाटर नमक ऑलरेडी डाल रखा था इसलिए थोड़ा सा ही डाला है मैंने यहाँ पे देखिए हमारा टमाटर भी ऑलमोस्ट गल चुका है और फिर हम ये जो कुकर में नगद बनाई हूँ उसे मैं इसमें डाल दूंगी तड़का लगाना था ना हमें इसीलिए तो ये हमारा भून के तैयार हो गया है अब इसमें हम वही कुकर का पलट देंगे यहाँ पे मैंने मैं पलट रही हूँ अब हम देखिए हमारा कितना अच्छा लग रहा है देखने में तो फिर उसके बाद ये अपना इसको चला दूँगी थोड़ा सा कुकर में पानी डाल के उसको हल्का सा गर्म पानी डालूँगी उसको बीच में डाल के ऐड कर दूँगी सब मिक्स कर दूँगी आप लोग को जितना मोटा चाहे पतला जितना जैसा खाना हो वैसा आप डाल सकते हैं ये ये जो मैंने इमली गला रखा था उसका पानी अगर आप लोग को खट्टा नहीं पसंद है तो इमली आप स्किप भी कर सकते हैं लेकिन हम हमारे यहाँ सब लोग खाते हैं बहुत लोग नए ड भी डालते हैं नग दावा में इमली वगैरह लेकिन हमारे यहाँ सब खाते हैं तो इसीलिए मैंने ऐड कर दिया फिर मैंने बनाया डाल दिया धनिया देखिए कितना अच्छा लग रहा है एकदम कलरफुल कितना अच्छा बन गया है और दोस्तों आप लोग को अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मैंने मैं यहाँ पे आटा भी गूँथ ली साथ ही साथ आटा भी गूँथ चाल के अपना गूँथ रही थी रोटी भी बनाना था उसके साथ मुझे तो आटा गूँथने के बाद मैं आ गई आलू का भुजिया बनाना था मुझे क्योंकि नगदाबा से मतलब वो तो दाल चावल जैसा हो गया ना इसीलिए मैं सब्जी भी बनाऊंगी तो मैं अपना आलू को पतला पतला छिलके के साथ ही उसे कट कर लिया एकदम पतला पतला भुजिया बनाना था मुझे इसका तो इसीलिए इसे पानी में धुल दिया पानी में रख दिया था कि उसका धूल मिट्टी अपना निकल जाए फिर उसके बाद दो तीन पानी से अपना वॉश कर दिया मैंने देखिए नीट एंड क्लीन हो गया हमारा आलू अब मैं उसी कढ़ाई का पलट के नकदा दवा उसी में उसे धुल के अपना तेल डाल दिया मस्टर्ड ऑयल इसमें कुछ नहीं डाली हूँ दोस्तों बस लहसुन और मिर्चा और कुछ नहीं डाली हूँ भुजिए में मैं क्योंकि भुजिया ऐसे ही सिंपल ही अच्छा लगता है यहाँ पे हमारा ये भी चटकने लगा अब इसमें मैं डालूँगी कटा हुआ अपना आलू ये आलू अपना डाल दूँगी ये धीरे धीरे अपना होता रहेगा बहुत पतला पतला काटा है क्रंची सब मुझे बनाना था आलू का भुजिया क्योंकि मैं, मैं इनको भी पसंद था सक्षम के पापा को और सक्षम को भी बहुत अच्छा लगता है क्रंची वाला भुजिया हमारे यहाँ सब लोग ऐसी भी बहुत पसंद करते हैं इसलिए मैंने बहुत पतला पतला एकदम पतले, पतले पतले स्लाइड में काटा है इसे फिर इसे इसी तरह मिक्स करेंगे तेल में अपना चलाते रहेंगे लेकिन ध्यान रखना होगा कि पकड़े ना एकदम मीडियम फ्लेम पे मैं इसे ढक ढक के अपना पकाती रहूँगी यहाँ पे मैंने ढक दिया है और ये देखिए मैं देखिए तो आधा पक चुका था फिफ्टी परसेंट हमारा पक चुका है अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी और नमक देखिए हल्का हल्का गोल्डन हो चुका है ना अब इसमें ऐड करेंगे हल्दी और नमक ये जो येलो येलो दिख रहा है वो मस्टर्ड ऑयल का दिख रहा है इसलिए लग रहा है कि मैंने पहले से हल्दी डाल रखा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है स्वाद के अनुसार हल्दी और आवश्यकता के अनुसार स्वाद के अनुसार सॉरी स्वाद के अनुसार नमक आवश्यकता के अनुसार हल्दी मैंने डाल दिया अब इसे मिक्स करके अपना चलाती रहूँगी और अपना ढक के फिफ्टी परसेंट हो चुका है फिफ्टी परसेंट और हो जाए ये देखिए हमारा बन के क्रिस्पी सा क्रंची सा भुजिया बन के तैयार हो गया है आइए दोस्तों आप लोग भी खा लीजिए देखिए कितना अच्छा लग रहा है क्रंची सा और फिर उसके बाद अब हम खाना मैंने रोटी भी साथ साथ बना रखा था और चावल भी कुकर में बना दिया ये देखिए हमारा रोटी सब्जी चावल और नग दावा चटनी और मूली बनके तैयार है दोस्तों आप आइए आप लोग भी खा लीजिए और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दही निकाला है पापा को देने के लिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल मत...